everyone, assalamu alaikum. This is me, Rubika Kashyap Khan. Welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum. आपकी रुबिका काशिफ खान की तरफ से आप सबको रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले साल की तरह इस रमजान भी मैं लेके आ रही हूँ सहरी और अफ्तारी का खास एहतमाम। मैं आप लोगों के साथ रहूंगी कनेक्टेड ओनली ऑन रुबिका खान YouTube चैनल। देखना मत भूलिएगा, जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी रुबिका काशिफ खान हाजिर है एंड ऑल सेट फॉर टुडे। ऑफ कोर्स यू गाइस ऑलरेडी नो कि आज है ज़ारिफ का निकाह। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका आज निकाह है। उन्होंने कहा था कि 7 बजे जो है वो निकाह हो जाएगा। 7 तो अभी मुझे घर में बज गए हैं। होप सो कि जब मैं पहुंचूं तो निकाह हो रहा हो या होने वाला हो चुका ना हो, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ऐसा ही हो। बट जो भी होगा वो आप लोग ब्लॉग में देखेंगे, तो फुल ब्लॉग आप लोग ने जरूर देखना। आई नो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और जल्दी से मुझे जाके बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हमने अभिया को भी ले लिया है उनके घर से। मोहतरमा ने आज मेरी ट्रेनिंग की है, मतलब ट्रेनिंग मतलब कि हमने साड़ी पहनी है। हाँ, बस कलर का फर्क है। हाँ, कलर का फर्क है। लेट्स सी वहाँ जाके मतलब कौन साड़ी पहना हुआ था, लगे कोई ना पहना हुआ। भैया भी बिल्कुल तैयार है, मम्मा बाबा इज ऑल्सो गोइंग विद अस। भैया हमने पहुंच चुके हैं वेन्यू पर। यहाँ पे हम लोग अपनी साड़ियाँ सेट कर रहे हैं। साड़ी पहनने का ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब यार सेट करनी पड़ती है मिनट मिनट में। बट खैर हमारी साड़ी सेट हो चुकी है। मजे की बात पता है, हम लोग आ गए मगर अब तक लाल हुआ जरनाब नहीं आया। जब मैंने कॉल की थी हम लोग 10 मिनट में पहुंचे, तुम लोग कहाँ रह गए? ऐसे बोला, हमें मैसेज करके बोला था कि ठीक 7 बजे का मतलब 7 बजे 7 बजे निकाह पढ़ा देंगे, और मैं इसकी इंतजार में 5:30 बजे से तैयार होकर बैठी हुई थी कि ये मुझे 6 बजे पिक करेगी। और ये कब आई यार? नहीं, 7:30 बजे। बट मतलब मैंने तैयार होना शुरू किया था 3:30 बजे। 3:30 बजे? यस। कब उठ गई बेटा? मैं उठ गई जल्दी। हां अच्छा खैर चलो, लेट सो उठती ना तो मेरा मुंह जो है वो कद्दू बन जाता। अच्छा सॉरी, आ जाती यार। चलो लेट्स गो। मजे का मोमेंट होता होगा ना, मतलब हर लड़की के लिए ये मोमेंट कितना ज्यादा स्पेशल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह। शहदाद मुबारक हो। हो गया, हो गया, ज़ारिफ में हो गया। क्यों लगता है ये गाना आपके लिए लगा है? हाय अल्लाह, क्या पता उन्होंने मुझे देख लिया हो। मुबारक हो बहुत बहुत। कहाँ थी जब मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं दबी का यार पीछे कर रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, मैं पीछे चली गई। लेकिन बहुत मुबारक हो लाली, जब मैं हाथ कैसे मिलाऊँ फिर। फाइनली रबीका की ख्वाहिश पूरी हो गई, लाली की शादी हो गई। लाली की बोल दिया, लाली शादी कब? फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह, गॉर्जियस, एडोरेबल, ब्यूटीफुल, जितना बोलो कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दस मिनट आ रहा है।
बहुत अच्छी बात है। रवि का जो मैंने शूट करा है ना, उसका जो सरप्राइज रिवील होगा ना, सबके उठ जाएंगे होश, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करा, मट्टी मट्टी होगा। आ चुकी है जो कि ढोलकी में भी लेट आई थी और निका में भी लेट आई है। मैं आ चुकी थी लेकिन ये जो है ना लेकिन ये मैडम बहुत ज्यादा बिजी हैं आज। यू नो व्हाट पुराने लोगों से मिलने के बाद इंसान थोड़ा सा उतावला हो जाता है, लेकिन ये बहुत उतावले से को देख के उतावली हो गई थी। पता है मैं उनसे 2 साल बाद मिल रही हूं। दो साल बाद वो मुझे देख के हैरान हो गए कि मतलब इतनी बड़ी हो गई, चेंज हो गए। तो बोले इंसान वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है, बड़ा भी होता है, ग्रूम भी होता है, और ये हमारी अच्छी बच्ची ग्रूम भी हो गई, अच्छी भी हो गई। बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अब मैं आपसे साड़ी ओ हाँ, साड़ी मैंने बहुत ज्यादा अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी साड़ी एक दिन में तो कोई भी नहीं देता। पहले से बता दी तो वो हुई नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी हम आके रूम में बैठे हैं, बहुत अच्छा एसी चल रहा है, बाहर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। टाइम मिला है हमें यहाँ आके बैठने का। अभिया की आवाज़ आपको पीछे सुन, अभिया मैंने अभी फोन उठाया यार, नारिव सर नाम के पास जाना है, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवानी है, वीडियो भी बनानी है, लेकिन अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं इसलिए वेट कर रही हूँ उनके लिए कि बस कब टाइम मिलेगा, कब मैं स्टेज पर जाऊंगी। आज मेरी लाली की अम्मी से मुलाकात हो गई है, फर्स्ट टाइम। हमारी मैसेजेस पे तो ऐसे बात होती रही है, लेकिन ऐसे फेस टू फेस मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई है। ढोलकी के बाद सेकंड टाइम समझ लें। आंटी आप ढोलकी पे तो इतनी क्यूट लग रही हो। थैंक यू। आप बहुत अच्छी। जो लाली की बाकी चीजें होंगी ना, उसमें मैं ऐसे आइडियाज दूंगी, बिकॉज शी इज वेरी गुड एनर्जी एंड आई थिंक यू आर द मेन एग्जैक्टली मेन कोर पर्सन। जो बात है, आप बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत खुश रखते हैं, छोटी पप्पू की तरह तुम्हें खुशियों से भर के रखते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। शादू को टाइम मिल गया। शादू आप पता क्या लगी है, वो नूरजहां आपको पता है ये कलर ममा स्पेशली लेके आई, बहुत हसीन लग रहा है ममा, दोनों हसीन लग रही है। ममा को मैं देखती रहती हूँ, ममा तो लाली बहुत ज्यादा खुश है इस वजह से, उसकी आंखें मैच। आंटी भी बहुत प्रिटी लग रही है, लाली भी, जैब भी, दुआ भी। अपनी शादी में इतना खुश होना है कि रोना आ जाए। इंशाल्लाह। अभी यहाँ मैं दानिशा के साथ पिक्चर क्लिक करवा रही हूँ और आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरी वजह से नीचे गिर गया, और जब मैंने पीछे देखा तो मैं बस पानी में गिरते गिरते ही बची मैं, वरना मैं धड़ अंदर जाती हूँ तो बचाता भी नहीं, फिर बचा तो लेते, लेकिन फिर सबको कोई नहीं बचाता। तो ये बहुत प्यारा यहाँ पे सेटअप हुआ है, कटने वाला है। नारे बहुत परेशान है इस वक्त, मैंने चीकू से कहा कि भाई गौर से देख, मैंने निकल का तेल निकल गया, चाय निकल गया, दूसरी बारी में आपने सरनाव की नहीं किया, क्या मैं हमारे लिए नहीं किया भाई, नीचे उतार के बना ले लो, चलो Thank you.
ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। लारिब और जैनब बहुत बहुत प्यारे लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग भी देखें तो प्लीज़ माशाल्लाह भी ज़रूर हो दीजिएगा, क्योंकि नज़रें आपको बेटर लगती हैं। प्लीज़ से माशाल्लाह। चलो सर ना, मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और हुसैन की तरफ से। हुसैन मुबारक हो, वो आके दे देंगे इंशाल्लाह। लाजी मतलब आज तो हीरो लग रहा था, सच बताऊं मेरा भाई हीरो लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ला हाफिज, मुबारकबाद हुसैन की तरफ से भी मेरी तरफ से भी। आपको बहुत नहीं यार, नहीं प्लीज इमोशनल नहीं, मैं रो जाऊंगा। चलो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आ जाओ अभिया, अभिया पिक्चर खिंचवा रही है, अभिया को लेके हम लोग घर जाएंगे। और पता है आपको, सबके अपने अपने पार्टनर से, सबके अपने अपने फ्रेंड से, मतलब जो ग्रुप बना हुआ है हुसैन ही नहीं थे, और उनको मैंने इतना ज़्यादा मिस किया। लेकिन इंशाल्लाह ज़ारिब की शादी में हुसैन ज़रूर होंगे। आप लोग आई नो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, वो एक्चुअली सऊदीया में है, अगर उनके लिए पॉसिबल होता तो वो ज़रूर आते। लेकिन बहुत से लोग हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि हुसैन को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए, ये बहुत गलत बात है, उनको आना चाहिए था। तो भाई वो सऊदीया में है, मतलब बिल्कुल अलग दिशा में, होता तो वो ज़रूर आते। मतलब लाली तो हुसैन के लिए बहुत अजीज़ है और ऑब्वियसली आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। लेकिन इंशाल्लाह शादी में ज़रूर आएंगे हुसैन। मैंने आपकी से कभी बोल दिया, मम्मा बाबा भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मम्मा लाली और जनाब के लिए कुछ बोले। बहुत सारी दुआएं जनाब और लारिब के लिए, बहुत आगे बढ़े हैं और बहुत कामयाबी। उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, उनकी जोड़ी हमेशा। अम्मा सबने मुझसे बोला मैं शादी कब होगी, बताएं मैं शादी कब होगी। अभी रबिया बहुत छोटी है, करेंगे तो आपको बता। मम्मा दाने सर ने बोले मैं बड़ी हो गई यार, पता नहीं वो मैं अम्मा को कभी चेहरे में मजा आता है। चाहिए यार मुझे एक छुआरा नहीं मिला, मुझे नहीं पता मुझे तुम छुआरे नहीं मिले, छुआरे लेके आए थे, छुआरा दे यार मैं कहीं रख के भूल गई बेसिकली। तुम उठा लो किसी का भी, वो देखो गुटली पड़ी हुई, अभी उठा लो। लारिब के लिए बाबा कुछ बोले, लारिब और जनाब के लिए। भाई माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और भाई मेरी तो सबके लिए दुआएं हैं माशाल्लाह कि जो भी जोड़ियां बन रही हैं, तय हो रही हैं, जो मामला तय हो रहे हैं, अल्लाह करे सबके नसीब अच्छे हों, सबका मुस्तकबिल सिक्योर हो और सब खूब तरक्की करें। और सबसे खास बात ये कि दोनों सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं, एक दूसरे की नेचर को समझते हैं, एक दूसरे को काम को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो भाई हमारी तो हिमायत है, आगे नसीब है, हम दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला से अपनी दुआ की कबूलियत की दुआ कर सकते हैं। थैंक यू। ये मेरी बेस्ट विशेस लारिब के लिए लिख दी थी, लारिब और जनाब के लिए। अब मैं हुसैन के लिए भी लिख देती हूँ। मेरा हाथ नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। सी यू सून। हुसैन का नाम लिख दिया मैंने। और हुसैन की तरफ से मैंने बेस्ट विशेस जो हैं वो जारिब के लिए लिख दी हैं। कम शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मुलाकात होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।